स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुनील खन्ना। सो आज मैं द लास्ट लेसन, जो चैप्टर हमारा इंग्लिश में चल रहा था, उसके पार्ट टू पे पार्ट टू वापसी पे वापसी आ रहा हूँ। बाकी जो मैंने पिछली वीडियो में आपको इस चैप्टर के बारे में समझाया था, उसका मैं थोड़ा रीकैप दे रहा हूँ। इस चैप्टर में एक प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस नहीं, फ्रांस, एफ ए आर, सॉरी, फ्रांस यानी एफ आर ए एंड जेड, ये प्रोटैगनिस्ट है इस चैप्टर का। मैंने आपको इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। ये स्कूल गोइंग बॉय था, थोड़ा इंडिफरेंट था, नालायक था, इसको फ्रेंच पढ़नी अच्छी नहीं लगती थी, जबकि इसकी ये नेटिव लैंग्वेज थी फ्रेंच। ये रहता था फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट मेनली, एलसेक एंड लॉरेन। और आपको बताया था इसका एक फ्रेंच टीचर था स्कूल में, जिनका नाम था एमएमएल। एमएमएल जो थे वो, उनके मैंने तीन वो बताए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो डिसिप्लिनेरियन थे और स्टॉन्च पेट्रियट एंड सच्चा देशभक्त, सच्चे देशभक्त थे। और आपको मैंने एक दो और बताए थे कि जैसे वो हार्ड टास्क मास्टर थे। ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और फिर मैंने आपको इसके बाद बताया था कि फ्रांस को स्कूल जाना नहीं था, क्योंकि इसका जो टीचर है एमएमएल, इन्होंने एक होमवर्क दिया था कि तुम्हें पार्टिसिपेंट्स को प्रिपेयर करना। पर फ्रांस फ्रांस को जैसे ही उसको फ्रेंच पसंद नहीं है पढ़ने, तो वो उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके भी नहीं आया था। तो उसको स्कूल जाने का डर लगा, तो उसने सोचा कि मैं स्कूल को बंक करूं। तो फिर उसने एक स्टेटमेंट बोली, मतलब एमसेट में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा था कि उसने सोचा कि मैं स्कूल को बंक करूं। स्कूल को उसने बंक करने में क्यों सोचा, क्योंकि वो ना नीचे की तरफ बहुत अट्रैक्टिव था, जो कि उसका सराउंडिंग्स में हो रहा था ना। मैंने को बताया था प्रशियन सोलर ड्रिलिंग कर रहे थे 100 मील पे, और बर्ड्स चिरपिंग कर रही थी एट द एज ऑफ द वुड, और सन ब्राइटली शाइन कर रहा था। ये सब इसी को टेंटेशन थी। बट उसने एज अ स्टूडेंट इसको मैनेज करा और इंसिस्ट करा, और वो भागा स्कूल, क्योंकि वो स्कूल के लिए भी लेट हो रहा था, तो वो स्कूल भागा। ठीक है, स्कूल, जब वो स्कूल के लिए भागा, जब वो हेड हेड कर रहे थे टुवर्ड्स स्कूल, तो वो पास हुआ था भाई टाउन हॉल। टाउन हॉल में उसने क्या देखा था, एक बुलेटिन बोर्ड में क्या पढ़ा, बुलेटिन बोर्ड क्या था, और वो ना सराउंडेड सराउंडेड था बाय अ ग्रेट क्राउड। सो उसमें उसमें बुलेटिन बोर्ड में क्या न्यूज आती है कि मतलब जो भी लास्ट हुए हुए बैड न्यूज आती है ना, उस बुलेटिन बोर्ड पे आती है कि जैसे लॉस्ट बैटल्स, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, ट्रक्स, ऐसे। ठीक है, चलिए अब मैं इसके आगे से पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए, जब वो स्कूल जाने की जल्दी में था ना, तो वो वैसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था, क्योंकि एनसीईआरटी का स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ, वो लेट हो गया था स्कूल के लिए। तो जब वो स्कूल जा रहा था, उसको स्कूल जाने की जल्दी थी, तो हम लिखेंगे इसके लिए ही वॉज इन अ हेस्ट। वो जल्दी में था टू रीच हिज स्कूल। ठीक है, हेस्ट का मतलब है जल्दी, टू रीच, या इंग्लिश में मार्क पे टू रीच हिज स्कूल। ठीक है, जब वो स्कूल जाने की जल्दी में था, तो एक वॉचर, वॉचर नाम का ब्लैक स्मिथ, वॉचर जो कि ब्लैक स्मिथ था, उसने, ब्लैक स्मिथ था वॉचर, और वॉचर का उसका एक अप्रेंटिस था। अप्रेंटिस यानी मतलब वॉचर के साथ था एक अप्रेंटिस, अप्रेंटिस यानी जो उसके अंडर काम करता। तो इस वॉचर ने ना फ्रांस को रोका, ही स्टॉप्ड फ्रांस। क्यों स्टॉप फ्रांस? और फिर वॉचर ने कहा, वॉचर ने कहा, ये डायलॉग माफ करिएगा, डोंट बी इन सो हरी, यू यू विल गेट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वॉचर ने बोला, तुम इतनी हरी में मत रहो, तुम स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे, और
उसने ये ही क्यों बोला, उसने ये बात क्यों बोली, डोंट बी इन सो हरी यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसने एक तरीके से ना इसका मजाक उड़ाया फ्रांस का, इन्होंने एक तरीके से फ्रांस का मजाक उड़ाया कि वैसे तुम इतने लेट लेट हो चुके हो तो तुम और लेट चले हो, लेट किस सेंस में हो चुके हो कि हाँ अभी आपको मैं कहता ये स्विंग लिखी गई है फ्रेंको प्रशियन वॉर के टाइम, जब फ्रांस और प्रशिया की वॉर हो गई थी, बट फ्रांस हार गई थी प्रशिया जीत गया था, तो अब उसकी नेटिव लैंग्वेज जा रही थी उनसे स्नैच हो रही थी, तो और जर्मन उनपे वो फोर्स की जा रही थी, उनको जर्मन सिखाने का ऑर्डर दिया गया था, तो जर्मन अब उसने पता है उसकी नेटिव लैंग्वेज जा रही है, और उसने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज बाद में सीख लूंगा, बाद में सीख लूंगा, उन्हें प्रोक्रेस्टिनेशन को फॉलो करा, तो अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि उसकी लैंग्वेज जा रही है, तो एक तरीके से इन्होंने वॉचर ने बोला कि तुम हरी में मत रहो, तुम स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे, तो एक तरीके से ये कहना चाह रहे कि तुम और लेट हो जाओ, वैसे तुम अपने साथ बहुत लेट कर दे कल 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 करके और लेट हो जाओ, तो एक तरीके से मजाक उड़ाना चाह रहा था। ठीक है चलिए, तो भाई अब वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है, तो अब उसने सोचा फ्रांस ने कि ना मैं जैसे स्कूल में शोर होगा हसन बसर की एडवांटेज लेके ना स्कूल में घुस जाऊँ। अच्छा तो उससे पहले बताने से पहले आप ये नोट करिएगा, कर रही होगा नोट, तो मैं उठा 1 मिनट बस 1 मिनट। चलिए तो मैंने आपको क्या बताया, अब स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका है, तो उसने सोचा कि मैं एडवांटेज लेता हूँ उसके लिए, कि मैं उसने बोला कि ही वांटेड मतलब फ्रांस जो है स्कूल पहुंचना चाहता है विद स्कूल विदाउट बीइंग नोट। हाँ जी मैंने क्या लिखा, ही वॉन्टेड टू रीच स्कूल विदाउट बीइंग नोटिस, ही वॉन्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ हसन बसर, जो कि अब जैसे आप सुबह स्कूल जाते हो स्कूल में बड़ा शोर शराबा होता है ना, जब स्टूडेंट्स सेटल होने में टाइम लगता है, उसने सोचा कि जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क होती है, जब आप डेस्क पे बैठते हो तो थोड़ी हसन बसन होती है, प्रमोशन होती है, और हाँ उसने सोचा जब लेसन्स रिपीट होते हैं, लेसन्स रिपीटेड बाय टीचर एंड स्टूडेंट यूनिसन में। अच्छा आपने इसका क्या मतलब होगा, लेसन्स रिपीट बाय स्टूडेंट एंड टीचर, अब आप जैसे कोई टीचर को कुछ बोलता है तो आगे स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं उसे चीज को, तो वही है, तो एक तरीके से वो भी हसल बसल प्रोड्यूस करते हैं प्रमोशन। और थर्ड पॉइंट था हमारा रैपिंग ऑफ रूल, रैपिंग का क्या मतलब हुआ कि टीचर भाई जो शिफ्ट टीचर होता है आज के टाइम पे वो तो एक स्केल के साथ लेके चलता है ना, अपने लेफ्ट आर्म में स्केल रखता है और वो सबको साइलेंट कराने के लिए टेबल पे जोर जोर से स्केल को मारता है, उसी का मतलब हुआ रैपिंग ऑफ रूल। ठीक है आप इतना नोट करिए, तो ये सब कोमोशन प्रोड्यूस करते हैं ना तो इन पॉइंट्स की एडवांटेज लेना था फ्रांस को, तो
वो ले पाया कि नहीं वो भागे देखते हैं। आप नोट करिए, तो चलिए ठीक है। अब उसके आगे क्या होगा, उसने सोचा एडवांटेज लेने को, ही वांटेड टू टेक एडवांटेज, बट अनफॉर्चुनेट, क्या बोला मैंने, अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल में जब गया ना अंदर, तो जो उसका टीचर था ना एमएमएल, उसने उसको देखा उस और बोला कि वो उसके बिना ही लेसन को स्टार्ट कर रहा था, बट अब तुम आ गए हो तो पीछे जाके बैठ जाओ। अब उसके आगे क्या हुआ, उसने हाँ, तो उस जब वो पीछे जाके बैठा तब क्या हुआ, देखिए जब वो पीछे जाके बैठा तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसको ना साइलेंस मिली, He received silence. Like a Sunday morning. स्कूल में थी साइलेंस, सुबह सुबह संडे की मॉर्निंग में सब शोर होती है, साइलेंस होती है ना, लाइक अ संडे मॉर्निंग। स्कूल वॉज प्योरली मैंने इन सीरियस, स्कूल एकदम सीरियस मोड में था, और जो फ्रांस था ना उसने ये भी चीज नोटिस करी, एक तो फर्स्ट सेकंड वर्ड ने नोटिस करी टीचर को, ही नोटिस द अपीयरेंस ऑफ हिज टीचर। तो टीचर कौन था, कौन था उसका टीचर, एमएमएल उनके टीचर थे, तो उन्होंने अपीयरेंस जगह में बदला, उन्होंने पहना हुआ था ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, जो कि ये ऐसे ही मतलब ऐसे ही नहीं पहनते स्कूल में आके, ये ओकेजन वगैरह पे पहनते हैं, तो ये एकदम शॉक हो गया भाई, हाँ शॉक हो गया एकदम। और सेकंड उसने देखा फ्रिल टी शर्ट, यानी एक मतलब जैसे होती है ना एकदम सिंपल से टी शर्ट वैसी थी, कोट के अंदर जो पहनी थी उसने, फ्रिल टी शर्ट, और थर्ड था उन्होंने ब्लैक सिल्क हैट पहना, ब्लैक सिल्क हैट। सो इन सब चीजों से ना जो फ्रांस था वो शॉक हो गया भाई, एकदम इन सब चीजों देख के शॉक हो गया। और एक और बात में ही सॉ, इसने देखा जो विलेज के एल्डर्स होते हैं ना, विलेज के एल्डर्स वो बैठे हुए थे ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम, ही सॉ विलेजर्स सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम, बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। चलो इसने चलिए नोट कर लिया होगा आपने,
चलिए अब आते हैं। हाँ तो वो ना इन तीन जो आपको मैं 3 पॉइंट्स बताए थे ना, अपीयरेंस ऑफ टीचर और एटमॉस्फेयर साइलेंट था एकदम स्कूल का, और उसने विलेज एल्डर्स को देखा, तो एकदम ना हमें एक बढ़िया, मतलब अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो एकदम शॉक हो गया था, यानी वो एकदम डिसअपॉइंटमेंट था कि वो एडवांटेज नहीं ले पाया सर, तो वो एकदम डिसअपॉइंटमेंट था ये सारी अनयूजुअल साइट को देख के। तो मैं इसके लिए देखो इंग्लिश करेक्टर नोट, हाँ तो मैं आपको एक बड़ी इंग्लिश बता रहा हूँ। ही यानी फ्रांस बॉस इन, अब मैं लिखना चाहूँ मतलब वो डिसअपॉइंटमेंट था, तो मैं डिसअपॉइंटमेंट प्रोड्यूस करता हूँ बॉस इन डेस्पोंडेंस, वो डेस्पोंडेंस में था एट दिस अनयूजुअल साइट। आप डिस्पोंडेंस की जगह ये भी लिख सकते हैं इन दिस, इन सब का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट दो वर्ड्स का, ठीक है। तो भाई वो डिसअपॉइंटमेंट था यार, मैं इस साइट को देख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक तो आपने आपको ये बताया कि वॉचर था, एक वॉचर ने उसको रोका फ्रांस को, और उसने एक डायलॉग मारा यानी उससे उसकी मौकरी करी, मौकरी यानी फन बनाया कि तुम जल्दी मत जाओ, अभी जल्दी जा रहे हो, लेट हो चुके हो और लेट चले जाओ। तो अच्छा तो फिर भी ना, और वो थोड़ी उसने सोचा कि अब मुझे स्कूल तो जाने है, तो उसने वो जल्दी में स्कूल जाने के लिए, तो फिर उसने सोचा कि मैं एडवांटेज ले तो उस दिन बसे ली, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं कर पाया, और वो एकदम शॉक में था इन सब चीजों को देख के, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे इस, बस यही पार्ट होता, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके लिए थैंक यू, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक